Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. देखिए, पहले मैं सबसे पहले तो आज मैं पोरबंदर का मेरा आना, मैं पहली मर्तबा आया हूँ और मेरे अपने बड़े भाई के घर पर आया हूँ, मैं अपने बड़े भाई के आश्रम पर आया हूँ। भाई श्री से मेरा एक रिश्ता है और आज यहाँ मैंने आकर गुरुकुल में और आपके आश्रम पे आके मुझे बहुत आनंद आया है। सभी बच्चों के साथ मुझे अभी जो हमारे ऋषि कुमार्स हैं उन सब बच्चों के साथ मेरी एक इंटरेक्शन हुई है, उन बच्चों के साथ में मेरा मिलना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली मर्तबा ये कोई बात यहाँ हुई है, क्योंकि चीफ इमाम होने के नाते मैंने इन बच्चों के साथ जो कुछ चीज़ें बस शेयर करी हैं। कुछ बच्चे आजकल ज़रूरत इसी बात की है, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है, हम सब मिलकर उस माहौल को, जो गर्म माहौल है, जो ख़राब माहौल है, जो नफ़रत का माहौल है, हमें उसे कैसे ख़त्म करें, उसे कैसे कम करें, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। क्योंकि ये भारत में सब लोग मिलकर रहें, आपस में एक दूसरे से प्यार करें। हमारा मकसद यही है कि हमारी सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं। उस इंसानियत के नाते हम एक दूसरे से प्यार करें, और भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें और इससे मिलजुल कर आपस में रहें। चूँकि ये सदियों से ये भारत में इसी तरह से सब लोग रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर समाज में, हर देश में अच्छे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मेजॉरिटी हर समाज में अच्छे लोगों की है, चंद लोग होते हैं, थोड़े से होते हैं, एक दो होते हैं जो ख़राब होते हैं, जिनका काम ख़राबी पैदा करना होता है। लेकिन अगर एक ख़राब है तो इसका मतलब सारा समाज ख़राब है, सारे देश के लोग ख़राब हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। हम समझते हैं कि आज हमारा यहाँ आना गुरुकुल के अंदर, तो हमने अगली बार के लिए यहाँ पर गुरुकुल और मदरसों के दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम करने की तैयारी करने वाले हैं। अगली बार मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो मदरसे 300 यहाँ बच्चे हमारे ऋषि कुमार हैं, आचार्य हैं जो बन रहे हैं, इसी तरह से मदरसों के बड़े बच्चों को 300 को अलग अलग मदरसों से हम यहाँ ला के एक दूसरे के बीच में रिश्ते कायम करूँगा। चूँकि आने वाले वक्त में वो इमाम बनेंगे मस्जिदों के, आने वाले वक्त में ये पुजारी बनेंगे, तो अगर पुजारी और इमाम आपस में दोस्ती बन जाएगी तो मुझे लग रहा है कि नफ़रत कहीं से कहीं तक हो ही नहीं पाएगी। देखिए, अभी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
उन्होंने विश्वास जीतने के लिए, उनको विश्वास के लिए जो बात करी है, उन्होंने भारत के 5 करोड़ मदरसास के बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप दी है, 100% की स्कॉलरशिप है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा विश्वास और कुछ नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इसी तरह से मदरसे के बच्चों को भी अगर ये स्कॉलरशिप मिल रही है तो मैं भारत सरकार से ये कहूँगा कि हमारे गुरुकुल के ऋषि कुमारों को भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, और इस तरह से सब लोग मिलजुल कर रहें, आपस में भारत और भारतीयता को मजबूत करें। भारत के निर्माण में ऋषि कुमार और मदरसे के बच्चे भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, पढ़ लिख कर भारत को मजबूत करें और भारतीयता को मजबूत करें।